शायद राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के एनडीए में शामिल होने पर औपचारिक मोहर लग सकती है। राज ठाकरे भी मुंबई से दिल्ली पहुंच चुके हैं, आज वो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 2 सीटों की डिमांड रखी, आज इस पर भी फाइनल मोहर लग सकती है। और वहीं महाराष्ट्र में महायुति की सीटों के बंटवारे पर फाइनल मोहर लगा सकती है। आज दिल्ली में महायुति की अहम बैठक होनी है, बैठक के बाद सीट शेयरिंग फॉर्मूला सामने आ सकता है। शाह ने तैयार किया महायुति का फॉर्मूला। महाराष्ट्र में क्लीन स्वीप की तैयारी में मोदी। बीजेपी को राज ठाकरे का साथ, संकट में उद्धव। महायुति में एक और बड़ा चेहरा शामिल हो सकता है। एमएनएस चीफ राज ठाकरे दिल्ली पहुंच गए हैं, आज उनकी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होनी है। सूत्रों की माने तो एमएनएस भी महायुति का हिस्सा हो सकती है। अगर राज ठाकरे एमएनएस में शामिल होते हैं तो फिर उनके लिए सीटें किसके कोटे से निकाली जाएंगी, क्योंकि मामला यहां भी सीटों को लेकर ही फंसा हुआ है। सूत्रों के माने तो राज ठाकरे ने बीजेपी से महाराष्ट्र में 5 सीटों की डिमांड की है। ये 5 सीटें हैं मुंबई साउथ, नासिक, संभाजीनगर, कल्याण और शिरडी। लेकिन बीजेपी राज ठाकरे को 2 सीट देने को तैयार है। इसकी बड़ी वजह महाराष्ट्र में बीजेपी के बढ़ते साथियों की संख्या है। सूत्रों के माने तो बीजेपी राज ठाकरे को मुंबई साउथ और शिरडी की सीट देने को तैयार है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि राज ठाकरे को महायुति का हिस्सा बनाया जाए। राज ठाकरे की तरफ से जो है करीब 5 सीटों की डिमांड जो है बीजेपी के सामने रखी गई है। इसमें दक्षिण मुंबई की 1 सीट है, नासिक की सीट, संभाजीनगर, इसके अलावा कल्याण की सीट है, और इसके अलावा वो चाहते हैं कि उन्हें एक और सीट दिया जाए जो शिरडी होनी चाहिए। तो 5 सीटों की डिमांड राज ठाकरे की तरफ से रखी गई है, लेकिन बीजेपी की तरफ से साफ साफ उन्हें कह दिया गया है कि उनके पास पहले ही 2 पार्टनर्स हैं, उन्हें भी उन्हें अकोमोडेट करना है। ऐसे में 5 सीटें तो नहीं दी जा सकती, लेकिन 2 ऐसी सीटें हैं जिस पर विचार किया जा सकता है। इनमें से पहली सीट है दक्षिण मुंबई की सीट, जहां पर सबसे ज़्यादा चांस लग रहा है कि अगर राज ठाकरे महायुति का हिस्सा बनते हैं महाराष्ट्र में, तब इस सीट से फिलहाल ठाकरे सेना जो है अरविंद सावंत को मैदान में उतारने वाली है। अगर राज ठाकरे यहां पर अगर आते हैं और अगर उन्हें ये सीट दी जाती है, तब महायुति के इस सीट से जीतने की संभावनाएं जो है वो काफ़ी बढ़ सकती, क्योंकि यहां पर मराठी मानुस, मराठी अस्मिता एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और साथ में बड़े पैमाने पर मराठी मतदाता है जो हर चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। और यही वजह है कि बीजेपी की कोशिश ये हो रही कि राज ठाकरे को गठबंधन में शामिल किया जाए। इसके अलावा शिरडी की एक दूसरी सीट है जहाँ पर विचार किया जा सकता है कि राज ठाकरे को ये सीट दी जा सकती है, लेकिन राज ठाकरे की कोशिश है कि उन्हें अगर वो गठबंधन में आते हैं तो उन्हें संभाजीनगर की भी सीट मिलनी चाहिए। वही महाराष्ट्र कांग्रेस को एक और झटका लग सकता है। प्रिया दत्त कांग्रेस छोड़कर शिवसेना के शिंदे गुट का दामन थाम सकती हैं। अशोक चव्हाण, बाबा सिद्दीकी और मिलिंद देवड़ा के बाद प्रिया दत्त उन नेताओं में शामिल हो सकती हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को अलविदा कर दिया। प्रिया दत्त 2009 में मुंबई उत्तर मध्य सीट से कांग्रेस सांसद रही हैं। 2014 और 2019 में वो पूनम महाजन के सामने हार गई थी। शिवसेना सूत्रों की माने तो शिंदे गुट प्रिया दत्त को मुंबई की उत्तर मध्य सीट से उम्मीदवार बना सकता है। महाराष्ट्र में बीजेपी के महायुति अलायंस में सीट शेयरिंग फाइनल स्टेज पर पहुंच गई है। अगले 24 से 48 घंटे में महायुति में सीट शेयरिंग फॉर्मूले का ऐलान किया जा सकता है। एकनाथ शिंदे दावा कर रहे हैं कि सभी की सहमति से फैसला होगा। मैं बताता हूँ, सीट शेयरिंग की बात की लेकर कोई चिंता नहीं है। सम्मानजनक निर्णय होगा, समन्वय से निर्णय होगा, और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ऐसे माहौल में जब विपक्ष तो पूरा सो गया है, विपक्ष तो पूरा कॉन्फिडेंस लूज किया है, उन्होंने उनके उसमें तालमेल नहीं है। महायुति है हमारी और हमारे में अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग है, और एक दूसरे को हम लोग साथ लेकर चलने वाले लोग हैं, और हमारा टारगेट यही है कि मोदी जी को फिर से बड़ी ताकत से प्रधानमंत्री बनाएंगे और निश्चित रूप से 400 का पार पूरा आंकड़ा जो है पार होगा। आज दिल्ली में एक बार फिर महायुति के नेताओं की बैठक हो सकती है जिसमें सीट शेयरिंग पर फाइनल मुहर लग सकती है। सूत्रों के माने तो राज्य की 48 सीटों में से बीजेपी 31 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेगी। वहीं शिवसेना शिंदे गुट 13 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, जबकि एनसीपी अजीत पवार गुट को 4 सीटें दी जाएंगी।
बीजेपी पहले ही महाराष्ट्र की 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। बाकी सीटों पर पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए हैं, लेकिन शिंदे गुट की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी के बीच सीटों को लेकर जारी टकराव की वजह से पेच फंसा हुआ है। सूत्रों के माने तो 3 सीटें ऐसी हैं जहां सीधे टकराव है। ये सीटें हैं शिरूर, मावल और नासिक लोकसभा सीट। 3 ऐसी सीटें जहां पर सीधे सीधे शिंदे सेना और एनसीपी के बीच टकराव है। एक शिरूर की सीट है जहां पर शिंदे सेना चाहती है कि उनका उम्मीदवार खड़ा हो, लेकिन एनसीपी इसके लिए राजी नहीं है। ठीक इसी तरह से मावल की एक सीट है जहां पर शिंदे सेना के मौजूदा सांसद है, लेकिन इस सीट पर भी अजीत पवार की तरफ से दावा ठोका जा रहा है। इसके अलावा नासिक की एक सीट है जहां पर एकनाथ शिंदे के जो बेटे हैं उन्होंने वहां पर मौजूदा सांसद की उम्मीदवारी को पहले ही पब्लिकली अनाउंस कर दिया है। इसको लेकर भी आपत्ति एनसीपी की तरफ से जताई गई है। यहां से छगन भुजबल चाहते हैं कि उनके परिवार का कोई सदस्य जो है उन्हें नासिक की सीट से उम्मीदवारी मिले। और एक सीट है जहां पर दोनों पार्टियों के बीच में टकराव चल रहा है और इसी टकराव को रोकने की कोशिश जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और यही इसी टकराव की वजह से इतना लंबा समय जो है खिंच गया है। जाके जिस अब सभी की निगाहें महायुति के सीट शेयरिंग फार्मूले पर टिकी हैं, जिसके बाद ही साफ हो पाएगा कि किसके खाते में कौन सी सीट आई है।